नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटे वाले बटन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए, और वीडियो देखने के बाद लाइक बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किस कार की सफाई कैसे की जाए और कौन कौन सी चीज़ें कार की सफाई करने के लिए जो हमें अपने पास चाहिए। देखिए कार की हालत, कार बाहर से भी और अंदर से भी बहुत गंदी है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कार को साफ कैसे किया जाए और कौन कौन सी सावधानियां कार को साफ करते समय हमें रखनी चाहिए। देखिए कार आगे से भी, बोनट भी, सब कुछ। अभी कार पूरी तरह से गंदी हुई पड़ी है, बस अंदर से देखिए हालत बहुत बुरा हाल है कार का। ये पीछे से देखिए पूरी, आज आपको एक सर्विस सेंटर की तरह जैसे की जाती है, उसके सबसे पहले हमें चाहिए एक वैक्यूम क्लीनर, फिर हमें 3 माइक्रोफाइबर क्लॉथ, माइक्रोफाइबर ही क्लॉथ यूज़ कीजिए, कोई और क्लॉथ ना यूज़ कीजिए क्योंकि स्क्रैचेस बहुत पड़ जाते हैं उससे दूसरे कपड़े से। तो मैं 3 रखूँगा, बताऊँगा आपको तीनों का यूज़ क्या है। बहुत सॉफ्ट है ये माइक्रोफाइबर। और उसके बाद शैम्पू, कोई भी शैम्पू यूज कर लीजिए कार वॉशर। उसके बाद वैक्स, वैक्स मैं आज नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पिछले वीक ही की थी। ग्लास क्लीनर बाहर से हम वाटर के साथ कर सकते हैं, अंदर से ग्लास क्लीनर के साथ। और ये डैशबोर्ड शाइनर जो हमें चाहिए कार के लिए, एक बकेट 4-5 ले, एक पाइप। तो देखिए अंदर से इसको क्लीन करते हैं हम अभी, तो देखिए आगे। अंदर से क्लीन करने के बाद हम अब करेंगे अपने मैट्स की सफाई। मैट्स को पानी के साथ वॉश कर लेंगे या फिर गीले कपड़े के साथ, जिससे मैट्स पूरी तरह क्लीन हो जाए, उनके ऊपर कोई भी मिट्टी ना रहे। मैं आज पानी का यूज करूंगा। पानी के साथ इसको पूरी तरह अच्छी तरह धो लें पहले। धोने के बाद कपड़े से वॉश। मैट को धोने के बाद उन्हें धूप में सुखा दें। जब तक हम अपनी पूरी कार का वॉश करेंगे, धूप में अच्छी तरह से सूख जाएंगे। धूप में सुखाने का ये फायदा है कि इनके ऊपर कोई भी पानी नहीं रहेगा, पूरी तरह सूख जाएंगे। गीले मैट को कभी भी कार के अंदर मत रखिए। क्यों हम क्योंकि इसके बाद गीले रखने के कारण कार के अंदर मॉइस्चर हो जाता है और अलग ही स्मेल हो जाती है, जिससे कार के अंदर बैठा नहीं जाता बहुत। तो अभी देखिए कार के मैट मैंने सुखा दिए हैं धूप में, जब तक कार को वॉश करेंगे सूख जाएंगे। उसके बाद एक बकेट जो हमने पहले दिखाई थी, उसके अंदर शैम्पू डालेंगे। शैम्पू हम कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कार वॉश वाला शैम्पू यूज करूंगा। तो इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लें और 3 या 4 कप ही इसके अंदर डालें,
तो 4 या 5 लीटर पानी बहुत होता है कार को शैम्पू के साथ वॉश करने के लिए। तो अभी इसके अंदर डालूंगा मैं 3 या 4 इसके ढक्कन जो शैम्पू के, तो ये डाला है, इसके अंदर 4 या 5 लीटर डालूंगा पानी। पानी डालने के बाद इसके अंदर ही माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ पूरी बॉडी पे शैम्पू लगाना है मैंने, कोई और कपड़ा नहीं यूज करना। अभी मैंने इसके अंदर पानी डाल के इसको मैं साइड में रख देता हूँ। उसके बाद मैं चारों टायरों को वॉश करूंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टायरों पे जो कपड़ा हम यूज करेंगे उसे पूरी बॉडी पे यूज नहीं करना, और इस कपड़े को यहाँ पे हम कोई भी कॉटन कपड़ा यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है माइक्रोफाइबर ही यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो गारा होगा, मिट्टी होगी, उसको हम उतारना है अंदर से पूरे टायरों से। तो कोई भी कपड़ा यूज कीजिए, चारों टायरों को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा, उसके बाद ही पूरी बॉडी को क्लीन करना, और इस कपड़े को सुखा दीजिए और पूरी बॉडी पे माइक्रोफाइबर क्लॉथ को यूज कीजिएगा। कपड़े मैंने कहा था कि मैं यूज करूंगा माइक्रोफाइबर, एक मैं यूज कर चुका हूं और दो मेरे हाथ में है, और इन दोनों का यूज मैं करूंगा अपनी कार को सुखाने के लिए। कार पूरी तरह से वॉश हो चुकी है, इसके ऊपर जो पानी रह गया है उसको वॉश साफ करना है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, हम एक कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कार सूखने के बाद उससे पानी के डॉट रह जाते हैं, जिससे कार पे पूरी चमक नहीं आएगी। तो देखिए, अभी मैंने एक कपड़े के साथ पहले मोटा मोटा पानी सारा सुखा दिया, उसके बाद दूसरे कपड़े के साथ पूरी तरह क्लीनिंग हो जाएगी। इसकी पूरी क्लीनिंग करने के बाद ही इस पे पूरी चमक आ जानी है। आप देखना, आपको दिखाऊंगा मैं उसके बाद। तो देखिए, हर एरिया पे कहीं भी पानी नहीं रहना चाहिए, जहाँ थोड़ा है तो वहां पे एक कपड़ा जो सूखा है वो, और जहां पे ज्यादा पानी है तो जो पहले यूज किया था उस कपड़े के साथ पूरे पानी को सुखा दीजिएगा। देखिए, आगे पीछे सारी साइड्स में जहां भी पानी है, छोटी छोटी जगह पे, हर क्रोम वाले एरिए पे, नीचे ग्रिल पे, सब जगह पे इस पानी को सुखा लीजिएगा। देखिए, अंदर से सफाई हुई थी और अब ये बाहर से पूरी तरह साफ हो चुका है।
माइक्रो फाइबर क्लॉथ का ये फायदा है कि इसके पूरी बॉडी पे स्क्रैच नहीं पड़ते कहीं भी। हम आराम से देखिए पूरी तरह से इसको साफ कीजिएगा, बहुत आराम से देखिए पूरी चमक आ गई है। अभी इसके ऊपर मैं वैक्स नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने पहले यूज़ कर चुका हूँ, मैं लास्ट वीक मैंने वैक्स किया था तो नहीं करूँगा। मैं हर 15 दिन या 20 दिन के बाद ही जब वॉश करता हूँ तो वैक्स यूज़ करता हूँ, अदरवाइज नहीं करता। तो मैं अब सिर्फ इसे क्लीन करूँगा। अगर वैक्स करनी है तो वैक्स आप कभी भी धूप में मत कीजिएगा, धूप में वैक्स करने से कलर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो कभी छाँव में करना है या फिर शाम के टाइम करना है वैक्स को। तो देखिए पूरी तरह माइक्रोफाइबर, कहीं भी पानी नहीं छोड़ना, जिससे अगर पानी रह गया तो उस पर वाटर मार्क दिखेंगे कार के ऊपर। मिरर फिनिशिंग आ गई है पूरी कार के ऊपर, देखिएगा अभी दोस्तों आपको पूरी कार दिखाऊंगा। ये होगी अब पूरी कार की क्लीनिंग, देखिए कोई वैक्स यूज नहीं की, सिर्फ मैंने आज इसको पानी के साथ वॉश किया है और शैम्पू के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।